ये है साथ में भगवाना जी, और एक जो है डॉग भी लेके जा रहे हैं डिलीवरी देने को। तो इस डॉग को जो है लेके जा रहे हैं हरीश भाई डिलीवरी देने को, ये ऋषिकेश में देना है। और मेरे को लगा कि हरीश भाई और भगवाना जी चले गए, लेकिन ये जो है यहाँ पे रुके थे, चाय पी रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी भाई लोग यूके वाले चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण नोटियार और मेरे गांव का नाम है मिसरगांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों मौसम की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, अभी जो है आसमान में बादल भी आ रखे हैं और हल्की फुल्की जो है धूप भी लग रखी है, तो अभी जो है बारिश भी हो सकती है। अभी करीब सुबह का 11 बज गया है और अपना नाश्ता पानी भी हो गया है। तो आज का नाश्ता जो है वो बनाया है अजय बगुणा जी ने, जो भाई यहाँ पे आ रखे हैं, उन्होंने जो है नाश्ता बनाया, नाश्ते में बनाया पास्ता, तो बहुत अच्छा बना रखा था। तो नाश्ता भी अभी हो गया है और मौसम का तो खैर पता ही नहीं है, अभी धूप लग रखी, थोड़ी देर बाद धूप जा रही, फिर बारिश हो रही, कुछ पता ही नहीं मौसम का यहाँ का। तो चलो अब जो है थोड़ा खाने पीने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर में जो है अजय बगुणा और हरीश भाई जाएंगे ऋषिकेश। अजय बगुणा ने तो खैर जाना ही है और साथ में जो है हरीश भाई भी जा रहे हैं, तो हरीश भाई इनको भी छोड़ेंगे बगुणा जी को, और अपना उनका कुछ काम भी है तो वो जो है आज वहीं रहेंगे, उनको छोड़ेंगे ऋषिकेश बगुणा जी को, और उसके बाद में जो है देहरादून जाएंगे हरीश भाई। तो मैं जो हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे अकेला रहूँगा आज नाइट को, और हरीश भाई जो है कल आएंगे, तो वो अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन जाएंगे वो शाम को 4-5 बजे करीब। अभी करीब दिन का 2 बज गया है और हरीश भाई और बगुणा जी की भी तैयारी हो गई है ऋषिकेश जाने की। तो अभी मेरे को पता चला कि हरीश भाई जो है डिलीवरी देने जा रहे हैं डॉग की, और ये देखिए ये निकल गए, ये आगे हरीश भाई है और ये है बगुणा जी। तो चलो रोड तक मैं भी चल रहा हूँ। चलो भाई लोगों, भाई लोग तो चले गए और मैं तो पैदल जाऊँगा, वो तो यहीं से स्कूटी पर निकल गए हैं और मैं जो हूँ पैदल जा रहा हूँ सड़क तक। हरीश भाई और बगुणा जी तो चले गए हैं स्कूटी पे, स्कूटी जो है हरीश भाई ने यहीं पे लाई रहती है, और वो जो है दोनों चले गए स्कूटी पे। तो मैं अभी पैदल जा रहा हूँ रोड पे, वहाँ से कुछ सामान लेके आना है खाने पीने का, तो इसलिए जा रहा हूँ। और हरीश भाई जो है अब कल आएंगे सीधे, कल सुबह आएंगे या दिन में आएंगे, तो अभी वो ऋषिकेश चले गए। तो बगुणा जी भी ऋषिकेश ही रहते हैं, उनको छोड़ने भी गए और डॉग की डिलीवरी देने को भी गई, एक छोटा सा पपी भी यहाँ पे था वो भी लेके गए हरीश भाई। तो चलो आज जो है यहाँ पे मेरे को एक बार फिर से अकेला रहना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं, इतना डरता तो हूँ नहीं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथ है तो सारे भोटिया डॉग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है रास्ता देख सकते हैं आप, पूरा जो है ड्रावना रास्ता है, इधर उधर कोई मकान नहीं है, इस रास्ते पे आते भी कमी है, लोग गांव है लेकिन गांव के लोग जो है सारे इधर उधर रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं गांव में। चलो खैर कोई बात नहीं, और यहां पे मैं जो हूं अब आज हूं और कल हूं, शायद परसों में निकल सकता हूं घर, तब जो है हरीश भाई यहां पे अकेले रहेंगे, लड़के देख रहे हैं वो काम के लिए, मिल तो नहीं रहे अभी, लेकिन मिल जाएगा तो तब लड़का रहेगा हरीश भाई के साथ कोई। तो चलो अभी देखिए यहाँ से रोड भी दिखाई देने लग गई है, देखो नीचे ऊपर से चल के मैं पहुँच गया अभी होटल पे, और मेरे को लगा कि हरीश भाई और बगुणा जी चले गए, लेकिन ये जो है यहाँ पे रुके थे चाय पी रहे हैं, और अभी मैं भी चाय पी रहा हूँ। तो बगुणा जी से मिल के जो है बढ़िया लगा, क्यों भाई? अब जो है फिर से मुलाकात होगी बगुणा जी से, और ये है यहाँ पे होटल वाले भाई जी, और ये यहाँ पे हरीश भाई बैठ रखे हैं। तो अभी जो है चाय पियेंगे और तुरंत निकलेंगे, क्योंकि लेट भी हो रहा है और आगे जो है बारिश भी हो रही है। तो बगुणा जी से भी आपको एक बार फिर से जल्दी मिलाएँगे। तो इस डॉग को जो है लेके जा रहे हैं हरीश भाई डिलीवरी देने को, ये ऋषिकेश में देना है, वैसे तो ये हल्द्वानी जाना है, वहाँ से जो है डिलीवरी वाला लेके जाएगा,
तो अभी जो है इनकी तैयारी हो गई है और हरीश भाई भी आ गए हैं। ये देखिए हरीश भाई है, अभी इनकी स्कूटी ये है यहाँ पे, और ये बैठते हैं और निकलते हैं। तो चलो अब मैं भी चलता हूँ ऊपर फार्म के लिए। हरीश भाई और बागुणा जी भी चले गए हैं ऋषिकेश के लिए, हरीश भाई कल सुबह आएगा। और अभी जो है दिन का 3 बज गया है, तो अभी वो निकल गए हैं जल्दी, इसलिए निकले। वैसे तो सुबह जा रहे थे वो, लेकिन सुबह जो है उनका कैंसिल हुआ और अभी वो निकल गए 3 बजे। तो अभी वो जल्दी इसलिए निकले क्योंकि थोड़ा लेट में भी निकल सकते हैं, क्योंकि आगे जो है बारिश हो रही है, तो बारिश के चक्कर से जो है निकल गए जल्दी, क्योंकि फिर भीग जाएंगे और लेट भी हो जाएगा। और मैं निकल गया हूँ अभी फार्म के लिए। तो आज जो है फार्म में मैं ही हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अकेला हूँ। मेरे साथ में जो है डॉग है, 4-4, 5-5 जो है मेरे साथ डॉग है वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे जो है डरते हैं, लेकिन आपको नहीं डरता है, क्योंकि ठेठ पहाड़ी है, तो पहाड़ी लोग को तो तुम कहीं रखो, जंगल में रखो या कहीं पर रखो, डरने वाले नहीं होते हैं। उनका जो जिगरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से जो है पूरा रास्ता जो है एकांत है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो डरने वाला हूँ नहीं, लेकिन और जो यहाँ पे कई लोग आते हैं वो डर डरते आते हैं। तो अपने अंदर जो है ऐसा कोई डर नाम का कोई चीज़ है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है कल परसों जो है बागुणा जी आए, और उनसे मिल के जो है मेरे को बहुत खुशी हुई। बहुत बड़े आदमी है वो और अच्छे आदमी है। तो अभी जो है मैं कभी फिर दिखाऊंगा बागुणा जी को अपने ब्लॉग में, कभी अगर फिर मिलना होगा उनसे। वो जो है धोत्री से बिलोंग करते हैं, उनका गांव है धोत्री। धोत्री में जो है उनका गांव है, और वो जो है बेसिकली रहते हैं ऋषिकेश में। ऋषिकेश में उनका जो है योग से संबंधित तो कुछ वहाँ पे कुछ काम करते हैं। अभी जो है वो वहीं जा रहे हैं ऋषिकेश, और हरीश भाई उन्हें छोड़ने भी जा रहे हैं, और साथ साथ में जो है डॉग की डिलीवरी देने को भी। और यहाँ पे देखिए कितना सुकून है, एकदम ठंडा माहौल, पूरे जो है चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, और पेड़ों के बीच से जो है ये रास्ता है हरीश भाई के फार्म के लिए। ये देख सकते हो आप, नीचे अभी गर्मी हो रही थी और यहाँ पे ऐसा लग रहा कि जैसे एसी चालू होगी। चलो रोड से चल के मैं आ गया हूँ अभी फार्म पे, और यहाँ पे जो है ये मेरे पीछे है, ये आप देख सकते हैं, ये है गब्बर। गब्बर को खुला रख रखा है, और अब जो है मैं थोड़ा चाय पानी बनाता हूँ, चाय पानी पीता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलते हैं। शाम का बज गया है 7, और मेरा चाय पानी भी हो गया है। अभी थोड़ी देर तक जो है सो रखा था मैं, और अभी जैसे उठा तो बाहर देखा एकदम जो है शाम हो रखी है। तो चलो अब जो है मैं थोड़ा डॉग को पहले खाना देता हूँ, डॉग फूड। अभी मैंने डॉग को खाना भी दे दिया है, डॉग फूड, और अभी जो है डॉग घूम रहे हैं। तो दोस्तों मौसम आप देख सकते हैं यहाँ का, अभी जो एकदम सुकून है और ठंडा माहौल हो रखा है। तो हरीश भाई भी पहुँच गए अभी देहरादून, उनका फ़ोन आया था कि वो जो है देहरादून में पहुँच गए हैं। पहले ऋषिकेश गए हो, और ऋषिकेश के बाद में जो है वो देहरादून गए। ऋषिकेश में उन्होंने जो है बागुणा जी को छोड़ा, और जो डॉग लेके जा रहा था डिलीवरी के लिए वो भी वहाँ पे दिया डिलीवरी वाले, जो उसे हल्द्वानी छोड़ेगा। तो उन्होंने बागुणा जी को और जो डॉग था उसको छोड़ा वहाँ, और अपना आप जो है देहरादून चले गए। तो अभी अभी उनका फ़ोन आया था कि वो जो है पहुँच गए देहरादून। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए सभी डॉग जो है अभी खाना खा के घूम रहे हैं। तो चलो मैं दिखाता हूँ इनको एक बार। देखिए चारों डॉग जो है घूम रहे हैं आराम से, किया भी, मास्टर भी, और गब्बर भी। और डेज तो घूम नहीं रही, वो सो रखी है, वो ज़्यादा सोती रहती है। और ये देखिए किया, ये आ गई किया, किया किया किया, ये देखिए ये किया है, और ये मास्टर आ गया उधर। ये जो है यहाँ पे चारों डॉग है, ये यहाँ पे है, ये है डेजी, इसके बाद किया है, उधर गब्बर चले गया, और ये है इधर मास्टर। तो सभी डॉग जो है अभी घूम रहे हैं। ये देखे
यह है किया 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 किया, ये किया है और ये डेजी सो रखी है और वो जा रखा उधर गब्बर और ये मास्टर मास्टर इधर आ बेटा मास्टर इधर आओ आ जा गबरो आ जा इधर। मैं यहाँ पे 2 से 3 दिन हूँ और उसके बाद में जो है मैं निकल जाऊँगा अपने घर। तुम्हारी भाई देहरादून जा रखे हैं, आज मैं यहाँ पे सिंगल हूँ और ये देखिए मेरे साथ में जो है डॉग बैठ रखे अभी, उन्होंने खाना खा दिया है, टॉयलेट वगैरह भी कर दिया है और अभी जो है आराम से बैठ रखे है, मज़े ले रहे मतलब ठंडी के। तो वैसे तो घर जाने का दोस्तों मन नहीं कर रहा क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, एकदम स्वतंत्र और ठंडा वातावरण है यहाँ का, और जहाँ पे जो है ऐसी नदी हो जाए सामने पे ही तो फिर तो बात ही क्या है। और मौसम देख सकते हैं आप अभी एकदम जो है ठंडा हो रखा है। तो अब जो है मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है और अब जो है अंधेरा होने वाला भी है, तो वीडियो को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो आज के ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।